हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट। आज का ये जो वीडियो है ये प्रिया पांडे जी ने रिक्वेस्ट की हुई है। और क्या हुआ तेरा वादा, ओल्ड एवरग्रीन सॉन्ग, क्लासिक मेलोडी उनको सीखनी है पियानो के ऊपर मेरे से। सो मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ उनके लिए। सो थैंक यू प्रिया जी, आपने अच्छी रिक्वेस्ट की और बहुत ही प्यारा गाना है, ओल्ड इज गोल्ड। हम कहते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तक ये मेलोडी इतनी एवरग्रीन है कि लोग अभी भी इसके कवर बनाते हैं, लोग अभी भी इसके ऊपर मैशअप बनाते हैं। आतिफ असलम का भी जो कवर है वो इतना हिट हुआ है, मतलब ओरिजिनल से ज्यादा वो हिट हुआ है। सो हमें पता चलता है कि ओरिजिनल मेलोडी आरडी वर्मन जी की मेलोडी है वो कितनी कितनी प्यारी है, और रफी साहब की आवाज है इसमें। सो गाना डायरेक्टली शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत सारा थैंक यू। और बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं हम, 6.1 के ऊपर जा रहे हैं अभी, 6.2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,000 तक जल्दी से लेके जाना इस चैनल को। सो सपोर्ट करते रहना गाइस, आपके सभी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा और कर रहा हूँ। इसके आगे भी दो तीन जो रिक्वेस्ट है वो मैं बता देता हूँ। एक तो दर्द दिलों के कम हो जाते का रिक्वेस्ट आया, उसके बाद और एक क्लासिक मेलोडी कोई तो है वो भी मैं करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं सभी लोगों को, अगर आप YouTube ओपन करते हो और मेरे पेज का कोई भी वीडियो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी वीडियो के नीचे स्टार रेटिंग का कुछ ऑप्शन होगा तो वहां पर आपको जितने लगते हैं उतने स्टार दे देना, 3, 4, 5 ही लगते होंगे आई थिंक सो। सो अगर आपको जो भी स्टार्स लगते हैं वो दे देना, और उसके बाद स्टार देने के बाद एक नीचे कॉलम ओपन हो जाता है जहां पर टिक मार्क्स के लिए ऑप्शन आते हैं, वहां पर होता है इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, अदर्स, या आप जो स्टार सिलेक्ट करोगे उसमें अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। सो उसमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, करेक्ट लगता है, प्रॉपर लगता है उस पर टिक कर देना, यानी इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं वो सिर्फ टिक कर देना और सबमिट कर देना। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि चैनल रिकमेंड करने के लिए यूट्यूब थोड़ा सा फोर्स करता है लोगों को। सो अपनी फैमिली और भी अच्छी ग्रो हो जाएगी। सो अगर आपको ये स्टार्स का ऑप्शन आ जाए, रेटिंग का ऑप्शन आ जाए, तो रेटिंग दे देना गाइस। और एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले, हमारे गिटार के ट्यूटोरियल जल्दी शुरू होने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करते रहना, गिटार के सभी लिसनर्स और गिटार के सभी जो सीखने वाले, सीखना चाहते हैं वो सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करते रहना। मैं इतना ही इजी आपको गिटार भी सिखा दूंगा, क्योंकि गिटार भी मैं कहाँ जाके सीखा नहीं हूँ, मैं खुद ही से सिखाऊँ, जो जैसे मैंने खुद सीखा है वही मैं आपको एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। सो कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी है ये चैनल, मैं कह सकता हूँ। सो सब्सक्राइब कर देना। सो अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। कि ये गाना तो वैसे दर्द भरा है और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वाला गाना है, बट तो भी मेजर में रखा है गाना, कितना प्यारा लगता है, हंस के ये दर्द को सहन कर रहा है ऐसा लगता है ये गाना सुनते वक्त। गाना एफ मेजर में है, बहुत सारे कॉर्ड्स वैसे तो यूज हुए हैं, वो मैं कॉर्ड्स एग्जैक्टली चेंज होने के बाद बता देता हूँ, बट एफ मेजर में गाना ओरिजिनली कंपोज है। सो गाना इजी है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ऑर्केस्ट्रेशन है, जो आरडी साहब की खासियत थी, और उन्होंने हर एक गाने में ऐसे ही रखा कि इन मेलोडी बहुत सिंपल बट ऑर्केस्ट्रेशन बहुत ही हैवी और बहुत मस्त था। सो इस गाने में भी वैसा ही है, ऑर्केस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है और वो बहुत हैवी है, तो वो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, सिर्फ गाने का अंतरा मुखड़ा ये जो पोर्शन है वो मैं सिखाते जाऊंगा, आपको इजी हो जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों हाथ क्लियर कर दूंगा। प्रिया जी को फिर से एक बार थैंक यू, अच्छा रिक्वेस्ट किया उन्होंने, ऐसे ही अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट करते रहो, मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और डायरेक्टली अभी शुरू करते हैं हमारा क्या हुआ तेरा वादा का ट्यूटोरियल। सो गाइज, ये हो गया अपना कैमरा एंगल चेंज, और गाना एफ मेजर में है। इसके कॉर्ड्स एक बार मैं बता देता हूँ आपको, एफ मेजर है, उसके बाद है ए माइनर, सिर्फ मैं अभी दिखा देता हूँ जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहता है वैसे नहीं, मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। और इसी कॉर्ड में बहुत सारे गाने हैं, वो भी मैं बता दूंगा एज यूजुअल। सो ये एफ मेजर बज गया, एफ हमने पकड़ लिया, मेजर बजाने के लिए 4-3 का फॉर्मूला है, 1-2-3-4 और 3 बाद में, 1-2-3, सो ये हो गया 3, सो 4-3 का फॉर्मूला मेजर के लिए यूज होता है। सो एफ मेजर है, उसके बाद है ए माइनर, ए माइनर हम बजाते वैसे ऐसे है क्योंकि ए माइनर पकड़ा है, बट इसके लिए सिर्फ एक उंगली यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये ए माइनर बजता है, देखो, क्योंकि यहाँ का एक जो की है हमारा ई जो की है वो ई हम ऊपर का ई ना बजाते हुए सिर्फ नीचे का ई बजा रहे। सो ये हो गया ए माइनर, उसके बाद है ए शार्प मेजर, सो ए शार्प मेजर हम ऐसे बजाते हैं, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, ये ए शार्प का ए शार्प यहां रहेगा, बट ये जो है ये हम ऐसा कर देंगे, जो हम डी और एफ बजा रहे थे वो हम नीचे के लेंगे, डी एफ और ए शार्प। सो ये हो गया हमारा ए शार्प मेजर, और उसके बाद सी मेजर जो ओरिजिनल जैसे हम बजाते हैं वैसे ही बजाएंगे। सो कॉर्ड्स यूज हुए हैं वो है एफ मेजर, ए माइनर, ए शार्प मेजर और सी मेजर, बस ये चार कॉर्ड पे ही पूरा गाना मैं आपको सिखा दूंगा, इजी है। अभी एक बार राइट हाथ देख लेते हैं पूरा कैसे बजाया गया है।
और सो ऑन। सो ऐसे बजाया गया, ये मुखड़ा वाला पोर्शन ये ऐसा ही कुछ है। गाना शुरू होता है ए से, सो ए हुआ, क्या हुआ, डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, ए सी ए शार्प, ये तीन यूज हुए, क्या हुआ, सी डबल दो बार बजा, क्या हुआ तेरा वादा, तेरा वादा, ए जी ए सी, तेरा वादा, तेरा वादा, सेम रिपीट होता है, वो कसम, लेकिन सिर्फ कसम के लिए एक जगह है, कसम सम, इसके लिए डी यूज हुआ, सम वो इरादा, सेम वो इरादा जो हमने पहले बजाया था वैसे ही, वो इरादा, अभी डायरेक्टली नीचे आ जाता है, भूलेगा दिल, डायरेक्टली नीचे के ई से शुरू होता है, भूलेगा दिल, सो ऊपर जाके नीचे आया, भूलेगा दिल, भूलेगा दिल जिस दिन तुम हो, ऐसे हुआ, जिस दिन इसके बाद, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, सेम रिपीट होता है, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ, रिपीट, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम मिले, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। सो ये हो गया हमारा पूरा मुखड़ा राइट हैंड। अभी इसका लेफ्ट हैंड में एक बार दिखा देता हूं पूरा कैसे बजाया गया है वो। सो लेफ्ट हैंड देखते हैं, और इसको मैं आर्पेजियोज में ही दिखाऊंगा क्योंकि बहुत प्यारा लगता है और बहुत सिंपल आर्पेजियो है, सिर्फ तीन के कॉर्ड को पकड़ के ये, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये ऐसे ही सिखाऊंगा। सो ये इजी है और देखने के लिए भी सुनने के लिए अच्छा लगता है। एफ मेजर बज रहा है, क्या हुआ को स्टार्ट हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, यहां पर ए माइनर लगा, तेरा वादा को ए माइनर लगा, सो क्या हुआ तेरा वादा, यहां तक ए माइनर समझ में आ गया, इसको हम कर रहे हैं आरपेजियो, क्या हुआ तेरा वादा, सो ये हो गया। सो ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, से एफ ए माइनर, उसके बाद ए शार्प मेजर, हमारा ये ऐसे हमने पकड़ा है तो इजी हो जाता है हमें बजाने के लिए, और उसके बाद सी मेजर, सो क्या हुआ एफ मेजर, तेरा वादा ए माइनर, वो कसम ए शार्प मेजर, उसके बाद वो इरादा, भूलेगा दिल, फिर भूलेगा दिल के लिए फिर हम एफ पे आ जाते हैं। सो ये लेफ्ट और राइट हाथ ऐसे बजता है, ये देखा, अभी आर्पेजियोस देखते हैं, होना है आपको F A C, ये पकड़ के F A C A C A C A F A C A C A C A, यही इसकी आर्पेजियो है, बहुत प्यारी लगती है, नहीं तो आप कॉर्ड पे भी बजा सकते हो ऐसे, सो ये हो गया कॉर्ड के साथ। अभी आगे जाते हैं, भूलेगा दिल, इसमें क्या कॉर्ड है, सो ये भूलेगा दिल के लिए सेम, भूलेगा दिल एफ मेजर, जिस दिन तुम्हें ए माइनर, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, सेम जैसे मुखड़े को जो पहला यूज किया वैसे ही सेम चेंज हो जाता है, मतलब अभी पूरा बजाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, आरपेजियोस बजाता हूं और कॉर्ड भी बजाता हूं।
एक उंगली से दिखा रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल जा रहा है मुझे भी। सो हमने देखा पूरा यही होता है, कॉर्ड्स के साथ भी यही होगा। क्या हुआ तेरा वादा, ए माइनर, वो कसम, ए शार्प मेजर, वो इरादा, भूलेगा दिल, दो बार, जिस दिन तुम्हें, दो बार, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। सो ये हुआ हमारा लेफ्ट हाथ मुखड़ा पूरा। अभी बीच में एक म्यूजिक आ जाता है, जो म्यूजिक कुछ ऐसा है, आपको दिखाता हूं। ये म्यूजिक कुछ ऐसा है जो स्ट्रिंग पे बजाया गया है। और यहां से शुरू होता है अंतरा। सो ये M1 वाला पोर्शन, बस यहां से डायरेक्टली शुरू होता है। कुछ पहला अंतरा है वो वाला शुरू हो जाता है, वो एक बार मैं आपको बजा के दिखाता हूं पूरा। यहां से शुरू होता है ऊपर के F से, हमने पूरा देख लिया अभी तक यहां तक। सो गाना आपको अगर कोई भी बजाना है तो उसका हर एक वर्ड को एक सुर लगता है गाइस। सो अभी देखो, वो कहने वाले, एफ से शुरू हुआ और नीचे आए हम, वो के लिए ये है, वो कहने वाले, कहने तक यहां पर ये, वो कहने वाले मुझको फरेबी। अभी यहां से चेंज है, कौन फरेबी है ये बता। सो यहाँ पर जो जगह है, फरेबी है ये बता, इसके लिए हम ये खेल रहे हैं। सो ये हमने देखा सेम, फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। अभी यहां से चेंज होता है, नशा दौलत का है ऐसा ये क्या। ये आपको समझ में आया, पूरा हम नीचे नीचे आ रहे, एक 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 रिपीट कर रहे हैं, फिर से। सो ये ए से शुरू हुआ, नशा दौलत का, आपको समझ में आ रहा है, नशा दौलत का है ऐसा ये क्या, समझ में आ रहा है आपको। ए से शुरू हुआ नशा, ए से डायरेक्ट सी, नशा दौलत का, जी से शुरू हुआ दौलत का, पे लत का, दौलत का में से लत का जो है, लत का, सो हुआ नशा दौलत का है ऐसा ये क्या, जी पे एंड हुआ, फिर से रिपीट होता है, ये तुझे कुछ भी याद नहीं। देखा आपने, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर एंड एफ पे हो जाता है। सो सेम रिपीट हुआ आगे, इसका आप लेफ्ट हाथ पूरा दिखा देता हूं एक बार। ये हुआ हमारा गाना शुरू होता है, ये म्यूजिक है M1। ये इसके लिए, ये म्यूजिक के लिए हमने यूज किया सेम कॉर्ड, एफ, ए माइनर, ए शार्प मेजर, सी, और डायरेक्ट शुरू होता है। सो शुरू हुआ कहां से, वो कहने वाले, वाले से शुरू होता है पूरा कॉर्ड। सो हमने कॉर्ड देख लिए, सेम कुछ भी ज्यादा कॉर्ड यूज नहीं होते, यही एफ, ए माइनर, ए शार्प मेजर, सी मेजर, यही कॉर्ड है। आर्पेजियोस एक बार दिखा देता हूं आपको। सो एफ ए सी ए सी ए सी ए ई ए सी ए सी ए सी ए
फिर डी एफ ए शार्प, डी एफ ए शार्प एफ ए शार्प एफ ए शार्प एफ डी एफ ए शार्प एफ ए शार्प एफ ए शार्प एफ, फिर हमारा सी वाला कॉर्ड सी ई जी वाला सी ई जी ई जी ई जी ई, यही होता है पूरे गाने में, यही है गाइस। सो ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही इजी गाना है। सो एक बार फिर से ये कॉर्ड पे भी दिखाता हूँ कॉर्ड कहाँ चेंज होता है। सो वो कहने वाले वाले से शुरू हुआ तारा रा रा रा, चेंज हुआ ए माइनर, कौन फरेबी है ये बता बता को सी मेजर तक आ गए हम। फिर से रिपीट होता है, वो जिसने गम दिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया, अभी चेंज होता है सेम, नशा दौलत का है ऐसा ये प्यार, हर एक सेंटेंस को चेंज होता है, नशा दौलत का है ऐसा ये प्यार। ये क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहां पर भी फटाफट चेंज होते हैं नोट्स। आई होप गाइज मैंने जो कुछ सिखाने की कोशिश की है वो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, हिट द बेल आइकन और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना अभी के अभी। और मैंने जैसे कहा कि गिटार के ट्यूटोरियल जल्दी ही आने वाले, आई थिंक 2 वीडियोज के बाद ही गिटार के ट्यूटोरियल शुरू हो जाएंगे, गिटार के भी वीडियोज आते रहेंगे। सो सभी गिटार प्रेमियों को मेरा कहना है कि भाई अगर गिटार सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही इजी मैं सिखाने वाला हूँ, और इजी क्यों बोल रहा हूँ वो आप वीडियो में ही देख लोगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, और भी अच्छा हो सकता है मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही खराब चैनल को भी आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊपर सब्सक्राइबर चले जाते हैं उनके, बट यही होता है कि कोई सिखाना चाहता है, कोई अच्छा कंटेंट लाना चाहता है तो उसको सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, और उसको थोड़ा आराम से धीरे से सपोर्ट मिलता है, बट सपोर्ट मिलता है ये मुझे पता है। सो वैसे ही हमारा भी चैनल हौले हौले ग्रो हो रहा है, बट ग्रो होगा एक दिन मुझे पता है, 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हमें। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, हिट द बेल आइकन, सभी नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो देखते रहना, वीडियोज देखते रहना, और एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एस सेम। थैंक यू सो मच।